दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा जिले के बहुचर्चित राजनिवास रेप कांड के मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास को राजनिवास में शराब की व्यवस्था करने वाले 5,000 के इनामी आरोपी धीरेन्द्र मिश्रा को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 की रात को सर्किट हाउस में बाबा सीताराम के द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की गई थी। इस घटना के वक्त धीरेन्द्र मिश्रा भी बाबा के साथ था और घटना के वक्त वो शराब लेकर आया था और शराब भी पिलाया था। आरोपी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा उम्र 23 वर्ष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक रीवा के द्वारा 5,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रीवा में पेश किया गया, जहां से केंद्रीय जेल रीवा में भेज दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में SP नवनीत भसीन के निर्देश में सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के सहित उनके स्टाफ के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई कर आरोपियों को एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। हाँ, जो कि घटना है, पुरानी घटना है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में NXC के रूम नंबर 4 में जो घटनाक्रम हुआ था आज से काफ़ी दिन पहले, उस घटनाक्रम में जो 4 आरोपी मौके पर मौजूद थे, उसमें से एक आरोपी ये भी था जिसका नाम धीरेन मिश्रा है, जो संबंधित सीताराम बाबा का चेला है, शिष्य उनका। ये लगातार फरार चल रहा था, इसको आज सिविल लाइन TI के द्वारा अपनी टीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और इसको न्यायालय पेश कर दिया गया। कहाँ पर गिरफ्तारी हुई? ये रिवाई से गिरफ्तार हुआ है। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।